हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। मेरा नाम है सौरभ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा थार की। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 2020 की महिंद्रा थार बहुत ही अच्छे डिजाइन और ऊपर से पैक करी हुई मार्केट में आएगी। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे नए थार की प्राइस के बारे में, लॉन्च के बारे में और आपको जो नए थार में फ्यूचर चेंजेस देखने को मिलता है। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको महिंद्रा थार गाड़ी कैसी लगी और आप इसे ख़रीदना पसंद करेंगे या नहीं जब ये इंडिया में लॉन्च होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहे और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नए थार की इंजन की बात करें तो 2020 में आने वाली नए थार BS6 नाम की इंजन में आएगी और ये इंजन में 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा। ये डीजल इंजन 140 bhp की पावर देगी और 300 न्यूटन मीटर का टॉप बनाएगी और ये इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल की स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन की ऑप्शन में आएगी। फ्रेंड्स, महिंद्रा की नई थार पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में भी आ सकती है और ये इंजन भी आपको नए थार में BS6 नाम में मिलेगा और ये इंजन आपको 1.6 लीटर का टर्बोचार पेट्रोल इंजन मिल सकता है और ये इंजन 138 bhp की पावर देगी और 250 का न्यूटन मीटर का टॉप बनाएगी। ये इंजन भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन में आएगी। और नए थार की माइलेज और परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको BS6 इंजन की वजह से आपको नए थार में माइलेज और परफॉर्मेंस पहले से अच्छा देखने को मिल सकता है। वहीं नए थार की एक्सटीरियर की बात करें तो बिल्कुल नए डिजाइन की फ्रंट ग्रिल दी जाती है और लाइट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प LED डे टाइमिंग लाइट LED टेल लाइट और RVM के साथ आपको इंडिकेटर दिया जाता है। और टायर की बात करें तो टायर के साथ आपको R17 R18 इंच तक का बिल्कुल नए डिजाइन की अलॉय व्हील जैसे शानदार फीचर आपको एक्सटीरियर में देखने को मिलेगा। अब नए थार की इंटीरियर की बात करें तो आपको मल्टीफिंगर स्टीयरिंग व्हील, बिल्कुल नए डिजाइन की सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, पुशताश बटन, ऑल सीट विथ हेडरेस्ट, लार्ज डोर पॉकेट, कीलेस एंट्री। और म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो म्यूजिक में 8 इंच तक का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। वहीं नए थार की सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में डुअल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा विथ सेंसर, क्रूज कंट्रोल, ABS विथ EBD, हाई बीम असिस्टेंट, हिल लॉन्च असिस्टेंट जैसे शानदार फीचर आपको सेफ्टी में देखने को मिलेगा। और नए थार की लॉन्च के बारे में बात करें तो महिंद्रा अपनी थार को 2020 के सेकेंड क्वार्टर तक लॉन्च कर देगा और नए थार की अभी मीडिया द्वारा कोई एक्सपेंडेड प्राइस नहीं दी गई, इसलिए नए थार की अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख से शुरू होकर 14 लाख के आसपास आपको एक शोरूम पड़ सकता है। तो आपको 2020 की महिंद्रा थार कैसी लगी और आप इसे खरीदना पसंद करोगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि कोई भी आपको स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर ले।